डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो हमारी मेरी पोएट्री है, पोएट्री में जो पोइम्स दिए गए हैं उसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया, और जो पोएम्स थे जिसमें करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ए लैमेंट, द पासिंग ऑफ आर्थर, माई हेवन, द सॉन्ग ऑफ द ब्लू। अभी आप लोगों ने देखा बहुत जल्दी ही कि द सॉन्ग ऑफ द फ्री स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा हुआ ये पोएम्स का, यानी पोएम्स के क्रम में आखिरी पोएम है। तो इस तरीके से ये पार्ट हम लोगों का लगभग पूरा हो गया है। जब आपको प्रारंभ में पढ़ाया जा रहा था तो हमने आपको शुरू किया था प्रोज से, तो जिसमें आपको हमने ए गर्ल विथ ए बास्केट, ए फेलो ट्रेवलर, दी होम कमिंग, ये लेसन्स आपको मैंने पढ़ा दिया था। अब हम आपको इसमें जो आपका छठा लेसन है वुमेन्स एजुकेशन, यानी अब हम लोग वुमेन्स एजुकेशन के विषय में पढ़ेंगे, ये राधा कृष्णन के द्वारा लिखा हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोज का लेसन जो वुमेन्स एजुकेशन है इसी पर विचार करेंगे, इसको देखेंगे कि राधा कृष्णन ने इसमें क्या लिखा है। तो इसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं, ये जो लेसन है ये यश राधा कृष्णन के द्वारा लिखा गया है। वुमेन्स एजुकेशन यानी नारी शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा पर, नारियों की शिक्षा पर यश राधा कृष्णन ने अपना विचार व्यक्त किया है। और केवल नारी शिक्षा ही नहीं बल्कि किसी की भी शिक्षा हो, कोई भी एजुकेशन हो, तो एजुकेशन का प्रकार कैसा होना चाहिए, एजुकेशन कैसा होना चाहिए, यश राधा कृष्णन का मानना था कि हमारा जो अध्ययन है, हमारा जो कोर्स है वो केवल विस्तृत ही न हो बल्कि उसमें गहराई होनी चाहिए। केवल ऐसा न हो कि हम किताबी ज्ञान प्राप्त कर लें, उनका मानना था किताबी ज्ञान केवल प्राप्त कर लेने से यह शिक्षा का पूर्ण उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य है क्या चीज, यानी क्या चीज है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हमारा एजुकेशन का तरीका क्या होना चाहिए, तो नारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा हमें क्या बताती है, शिक्षा हमारे चरित्र को कैसे डेवलप करती है, और कुछ ऐसी चीजें जैसे दया हुआ, करुणा हुआ, ये मानव होने के प्रमुख लक्षण होते हैं, उदारता, दान, इन बहुत सी चीजों के विषय में बताया गया है। इस लेसन में बताया गया है कि किस तरीके से हमें अपने क्लासिक्स, हमारे जो क्लासिक्स हैं, धर्म ग्रंथ है, उनका भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिससे मानव के अंदर एक नैतिक शक्ति का संचार होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले जो ये लेसन है वुमेन्स एजुकेशन, आज हम लोग वुमेन्स एजुकेशन के विषय में अध्ययन करते हैं, नारी शिक्षा के विषय में जो एस राधा कृष्णन के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले संक्षिप्त रूप से हम देखना चाहेंगे किसका सारांश क्या है, यानी इस पोयम, सॉरी इस पूरे लेसन का सारांश क्या है, कैसे संक्षिप्त रूप से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं, सारांश के रूप में कैसे समझ सकते हैं। तो आपके बुक में ये जब आप देखेंगे, तो जब आप लेसन जहां से आपका टेस्ट है, यानी मेन लेसन जहां से शुरू होता है, उसके ऊपर इसका सारांश लिखा हुआ है। तो हम लोग सिनेप्सिस में देखते हैं
यानी इसके संक्षेप भाव में देखने का प्रयास करते हैं कि यह राधा कृष्णन के किन विचारों की अभिव्यक्ति की गई इसमें, उन्होंने अपने किस विचार को यहाँ पर व्यक्त किया है, क्या कहना चाहते हैं। तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन रिकमेंड्स दैट एजुकेशन शुड बी ब्रॉड एंड डीप। डॉक्टर एस राधा कृष्णन कहते हैं कि शिक्षा शुड बी ब्रॉड एंड डीप, यानी शिक्षा केवल यानी शुड बी ब्रॉड एंड डीप बिकॉज एंड एमलेस एजुकेशन सर्व नो पर्पज। एक बार पुनः देखा जाए, डॉक्टर एस राधा कृष्णन रिकमेंड्स दैट एजुकेशन शुड बी ब्रॉड एंड डीप, यानी एस राधा कृष्णन कहते हैं कि शिक्षा विस्तृत हो, डीप हो, यानी विस्तार के साथ साथ उसमें गहराई हो, केवल विस्तार ही नहीं उसमें गहराई होनी चाहिए। बिकॉज एंड एमलेस, डीप का मतलब क्या हुआ, यानी शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का एक एम होना चाहिए। बिकॉज एंड एमलेस एजुकेशन सर्व्स नो पर्पज, क्योंकि निरुद्देश्य शिक्षा एक ऐसा जिस शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है वह किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है। जो एमलेस होता है यानी निरुद्देश्य जिसका कोई एम नहीं है, ऐसा एजुकेशन सर्व्स नो पर्पज, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई उसका ऐसा नहीं होता कि उस शिक्षा का कोई महत्व हो, वह उद्देश्य विहीन होती है, उससे वह किसी पर्पज किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती। जो शिक्षा एमलेस होती है वो किसी पर्पज किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन आवर टाइम, आज हमारे समय में, आज के समय में नारियों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अवसर है, यानी वुमेन्स के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है, किन किन क्षेत्रों में अवसर है, दे कैन डू सोशल वर्क, वे सामाजिक कार्यों में आ सकती हैं, सामाजिक कार्य कर सकती हैं, टेक पार्ट इन पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक क्षेत्र में अपना योगदान दे सकती हैं, एंड ऑक्यूपाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और प्रशासनिक पोस्ट को भी प्राप्त कर सकती हैं, एंड अदर सर्विसेज, और साथ ही साथ और भी सेवाओं में जा सकती हैं। यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में वुमेन्स के लिए स्थान न हो, वह हर क्षेत्रों में जा सकती हैं, सभी प्रकार की सेवा कर सकती है, सर्विसेज में आ सकती है। और आज हम लोग देख रहे हैं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां वुमेन्स के लिए जगह न हो या वो अपनी सेवा न दे रही हो। टुडे द सोसाइटी नीड्स वुमेन्स ऑफ डिसिप्लिन माइंड, यानी आज समाज में ऐसे नारियों की आवश्यकता है जो अनुशासित, जो डिसिप्लिन रखती हो, जिनका मन अनुशासित हो, एंड रेस्ट्रेंट मैनर्स, और अनुशासित विचार हो, अनुशासित ढंग हो, तरीका हो, अनुशासन में रहने वाली और नियंत्रित विचारधारा वाली नारियों की आज समाज में आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, और इसी के साथ साथ राइटर ये बताता है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी लेखक के अनुसार द स्टडी ऑफ क्लासिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस राधा कृष्णन ने इसमें इस लेसन के माध्यम से धर्म ग्रंथों के अध्ययन की उपयोगिता पर बल दिया है, धर्म ग्रंथ के अध्ययन पर बल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, दे हैव मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज, क्योंकि उन धर्म ग्रंथों में बहुत सी रोचक कहानियां हैं, बहुत से ऐसी रोचक और अच्छी कहानियां हैं। टीच स्टोरीज इनस्टिल इन टू अस ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, कि जो हमारे अंदर एक महान नैतिक शक्ति का संचार करती हैं,
धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमारे अंदर तमाम प्रकार के नैतिक सत्य का संचार हो सकता है। डिस्क्राइबिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स ही सेज, यानी नारियों का के महत्व को या नारियों के महत्व का वर्णन करते हुए वह कहते हैं दैट इन एंशियंट इंडिया, कि प्राचीन भारत में वुमेन्स वेयर इंटाइटेड टू द स्टडी ऑफ द वेद्स। हमारे प्राचीन काल में नारियों को यानी वुमेन्स वेयर इंटाइटेड टू द स्टडी ऑफ द वेद्स, कि नारियां स्त्रियां वेद पढ़ने की अधिकारी थी, वो वेद का अध्ययन करती थी। दे वेर ऑल्सो इंटाइटेड टू द चेंटिंग ऑफ द गायत्री जप, वह गायत्री मंत्र का जाप करती थी। दे हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म करते थे, उनका उपनयन संस्कार होता था। ही राइट्स, यस राधा कृष्ण लिखते हैं दैट सेल्फ कंट्रोल, कि जो सेल्फ कंट्रोल है आत्मनियंत्रण, मन पर नियंत्रण, अपनी विचार पर नियंत्रण, अपने मन पर नियंत्रण, चैरिटी दान एंड कंफेशन और करुणा आर थ्री इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए वैल्यूएबल लाइफ। वह वैल्यूएबल लाइफ का एक यानी महत्वपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण जीवन का एक इंपॉर्टेंट गुण होता है, यानी ये तीन चीजें सार्थक जीवन का महत्वपूर्ण गुण है। अर्थात सच्चा वास्तविक जीवन के अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, चैरिटी होना चाहिए, कंपैशन दया होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से यह राधा कृष्णन का यह मानना है कि शिक्षा केवल विस्तृत ही न हो बल्कि उसमें गहराई हो। एमलेस शिक्षा निरुद्देश है, उसका कोई मतलब नहीं। नारियों के लिए हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जा सकती है। और दान दया उदारता करुणा ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण गुण होते हैं, वही तो है जो हमें मानव बनाती है। और इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं कि टेस्ट में क्या लिखा गया, फाइनल जो हमारा लेसन है उसमें क्या चीजें हैं। राइटर यहां से शुरू करते लिखना। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये देखते हैं कि किस प्रकार से ये लेसन हमें कई टॉपिक पर यानी कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो लेखक के द्वारा इसमें बताया गया है, जैसे शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा में जो लोग योगदान दे रहे हैं, जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं खास करके नारी शिक्षा के लिए, उनकी पहचान होकर के उसको प्रोत्साहित करनी चाहिए, उसे लोग प्रोत्साहित करें। दया उदारता करुणा जो मानव होने के लक्षण होते हैं, हमें इन गुणों को अपने अंदर रखना चाहिए। धर्म ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए, जीवन में शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा समय के मांग के अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लेखक के द्वारा इस लेसन में बताया गया है, यानी यश राधा कृष्णन के द्वारा। तो हम लोग ये लेसन देखते हैं यहां से। यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यू आर लिविंग इन एन एज, यानी तुम एक ऐसे युग में रह रहे हो व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, जब बहुत बड़ा अवसर है, बहुत महान अवसर है फॉर वुमेन नारियों के लिए इन सोशल वर्क सामाजिक कामों में, पब्लिक लाइफ सार्वजनिक जीवन में एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक क्षेत्र में। यानी हम लोग इस समय एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां
नारियों के लिए सार्वजनिक, सामाजिक और प्रशासनिक कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह पर्याप्त अवसर है, पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज है। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड। समाज को अनुशासित मन वाली एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर्स और नियंत्रित ढंग विचार वाले नारियों की आवश्यकता है, जो अनुशासित हो, जिनका मन पर नियंत्रण हो। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, जिस भी प्रकार का काम, जिस भी काम को करने का बीड़ा उठाते हैं, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट, तो उसमें ईमानदारी लानी चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, उस काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। डिसिप्लिन्ड माइंड, अनुशासित मन होना चाहिए, यानी काम में, काम के प्रति अनुशासन होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, तब तुम्हें उस काम में सफलता प्राप्त होगी और उस काम से आनंद प्राप्त होगा। यानी अगर अपने काम से आनंद और सफलता प्राप्त करना है, तो हमें पूर्ण ईमानदारी और अनुशासन के साथ अपने काम को करना चाहिए। अगला पैराग्राफ जो व्यक्त किया गया है लेखक के द्वारा, हम इसे थोड़ा आपको बताना चाहेंगे। एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, यानी वास्तव में हमारे देश में नारी शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा, जो बालिकाओं की शिक्षा है, इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ, वो बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं है, उसका विस्तार नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन ज्यादा नहीं है, बालिकाओं के शिक्षा की ज्यादा व्यवस्था नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्थी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड इनकरेजमेंट, इसलिए वह प्रत्येक संस्था जो बालिकाओं की शिक्षा में अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ऐसे संस्थाओं की पहचान करके उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। जो संस्था अपना योगदान बालिकाओं की शिक्षा के लिए दे रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की पहचान करके उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। बट आई एम एनेक्सियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन इज इम्पॉर्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड ऑल्सो बी डीप, लेकिन मैं चिंतित हूं, मैं इस बात पर चिंता करता हूं, सोचता हूं दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन इज दैट इज इम्पॉर्टेंट मस्ट नॉट ओनली ब्रॉड, यानी जो शिक्षा का प्रकार है, यानी जो बालिकाओं को या जो शिक्षा दी जाती है इन संस्थाओं से, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह केवल विस्तृत ही न हो, बट शुड ऑल्सो बी डीप, बल्कि उसमें गहराई हो, यानी केवल किताबी ज्ञान ही न हो, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। केवल किताब से अध्ययन कर लेना ही जरूरी नहीं है, उस लाइनों में जो उसकी गहराई है, जो यथार्थ है, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है, इस ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या उद्देश्य छिपा हुआ है, उसकी गहराई को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि ये राधा कृष्ण शिक्षा को केवल विस्तृत ही नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि चाहते हैं कि विस्तार के साथ साथ उसी अनुपात में उसे गहराई होनी चाहिए। और इसके आगे हम लोग जो टॉपिक है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग एस राधा कृष्णन के द्वारा लिखा हुआ लेसन वुमेन्स एजुकेशन का जो प्रारंभिक भूमिका है, या कुछ लेसन का एक दो चार लाइनों को हम लोगों ने देखा, समझने का प्रयास किया, इसका सारांश देखा, और फिर हम लोगों ने इसे पढ़ने का भी प्रयास किया है। जो इससे आगे टॉपिक है, यानी जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।
इस वीडियो में बस इतना ही।